हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट जो हो सके कर देना। कुछ नहीं तो एटलीस्ट लाइक का बटन दबा दो यार, उसमें तो आपका कुछ जाएगा भी नहीं। बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा ये वीडियो भी स्प्रेड होगा एंड ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फिल्मों की जो 2024 में धमाका मचा सकती है। वेल, 2024 की 24 फिल्में जिनकी मैं आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या इस फिल्म का पोटेंशियल है और मुझे क्या लगता है कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म बहुत एक्साइटिंग मेरे लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म जिसकी मैं बात करूंगा वो है कल्कि 2898 AD। वेल, ये नहीं कहता मैं ये पहली फिल्म होगी साल की जो बहुत बढ़िया करने वाली है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस फिल्म पे नजर जरूर रहेगी। बिकॉज नॉट जस्ट कि ये फिल्म प्रभास की फिल्म है, बट ये फिल्म का टीजर जब आया था तब आप जानते हो क्या लेवल पे इसका एक शोर मचा था। VFX के तौर पे कितनी बढ़िया लग रही थी ये फिल्म। हालांकि थोड़ी पोस्टपोन हुई पर मुझे लगता है दैट वाज फॉर गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कल्कि 2898 AD जो है उसका इंतजार करना चाहिए। आई थिंक अप्रैल में आएगी ये फिल्म, तो यस वो मेरे लिस्ट में सबसे पहले है। उसके बाद में मैं बात करूंगा पुष्पा 2 की। ऑब्वियसली हम सब वेट कर रहे हैं पुष्पा का। अगस्त में कहीं ना कहीं ये फिल्म आने वाली है, तो उस चीज को देखने में भी बहुत मजा आएगा। एंड हम सब जानते हैं अल्लू अर्जुन को देखने के लिए हम कितना तरस रहे हैं और हमारी श्रीवल्ली को भी, तो यस विल वेटिंग फॉर दैट आल्सो। तीसरी फिल्म है इंडियन 2, कमल हासन की फिल्म। वेल, हम सब जानते हैं इंडियन जो फिल्म थी वो किस तरीके की, कैसे लेवल की फिल्म थी और इंडियन 2 भी कैसी हो सकती है। उसके अनाउंसमेंट वीडियो ने भी एक अलग ही क्रेज बना दिया था लोगों के दिमाग में, नॉस्टैल्जिक कर दिया था, रिफ्रेश कर दिया था। और अब 2 आ रही है और वो भी ऐसे टाइम पे आ रही है जहां पर लोग कुछ ज्यादा ही अपने ओपिनियंस रख रहे हैं फॉर एवरीथिंग, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा चलने वाला है मुझे ऐसा लगता है। एंड जिस तरीके से जवान थी जहां पर पॉलिटिकल विजिलांटे के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेज में वो फिल्म चली थी, ये फिल्म भी उसी तरह का फील दे सकती है, प्रोवाइडेड ये वन साइडेड स्टोरी ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा हाउसफुल 5 की। ये मेरे लिस्ट में इसके लिए बिकॉज मैं स्लैपस्टिक कॉमेडीज, माइंडलेस कॉमेडीज ये सब पसंद करता हूँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि फिल्म में एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ तो मुझे एंटरटेनमेंट मिले, ना कि मैं ज्यादा उसके लिए सोचू। तो हाउसफुल 5 मेरे लिस्ट में है बिकॉज बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं इस सीरीज की। एंड जिस तरह मेरा फुकरे फेवरेट सीरीज है ना, उसी तरह हाउसफुल 5 भी उस लिस्ट में है मेरे। तो यस, वेटिंग फॉर दिस बिग वन। एंड आई एम श्योर ये फिल्म मतलब वैसी ना हो जो हम सोच रहे हैं, जैसे हमने सर्कस के लिए एक बार सोचा था कि यार रोहित शेट्टी की है तो चलेगी, मजेदार होगी, पर इस ये फिल्म थोड़ी अपडेटेड हो इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी तो जरूर मजा आएगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा रोहित शेट्टी के फिल्म की जो है सिंघम अगेन, जिसमें हमें पता है कि सब वापस आ रहे हैं और उसके ऊपर टाइगर श्रॉफ भी हमें नजर आने वाले हैं और हमें फीमेल एक्ट्रेसेस भी नजर आने वाली है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख देना। तो अब ये सब लोग हैं तो आप सोच ही सकते हो कितनी लार्जर लेवल पे ये फिल्म की एक शूटिंग हो रही होगी और ये फिल्म बनेगी, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑन माय टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। फिर मैं बात करूंगा अक्षय कुमार की फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ की, जिसमें टाइगर श्रॉफ भी है एज छोटे मियाँ। तो इसका अनाउंसमेंट तो हमने बहुत पहले देखा ही होगा, मतलब आपने देखा ही होगा, और रिलीज होने वाली थी क्रिसमस 2023 में, पर ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस पुश हुई और कहा जा रहा है अप्रैल में आने वाली है ये फिल्म। एंड इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर्स बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म में कुछ बात होगी। एक एक्शन कॉमेडी का एक अच्छा जॉनर दिखने वाला है हमें इसमें, तो वो जो है आई थिंक वो इम्प्रेस करेगा लोगों को। एंड टाइगर श्रॉफ के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई होप कि वो यहाँ पर अपना जादू दिखा दे विद अक्षय कुमार और फिर चांद चांद लग जाए उसको। उसके बाद में साउथ की फिल्म जो है देवारा जूनियर NTR की, उसकी बात करूंगा। वेल, इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर्स आया है, फर्स्ट लुक पोस्टर्स जो भी आया है बहुत इंटरेस्टिंग है और अप्रैल में आ रही है शायद ये फिल्म भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग एक इंट्रीग पैदा करेगी। पर इसका जो एक टीजर आएगा तब और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है वो क्रेज बढ़ेगा, तो लेट्स वेट फॉर इट। दिस इज इन माय टॉप 24 लिस्ट। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि आपकी फेवरेट फिल्म इसमें से कौन सी आपकी है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। फिर मैं बात करूंगा विक्रम जो हमारे एक्टर है साउथ के, जिनकी PS1 PS2 ने धमाल मचा दिया था बॉक्स ऑफिस पे, उन्हीं की फिल्म तंगलम करके। वेल, इसका अगर आप टीजर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे एक्टिंग की है विक्रम ने। एंड एक टीजर से ही बता दिया है कि ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास फिल्म होने वाली है। एंड मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैंने जब टीजर देखा ना तब तो मैं देखते रह गया। मतलब उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, जिस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया है,
बहुत ही मजेदार है। आपने अगर नहीं देखा हो तो आप जरूर जाके देखना तंगलम का टीजर, और तंगलम के बाद में आप कंगुआ का टीजर देखना जिसमें सूर्या है, वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर जॉनर की फिल्म लग रही है मुझे, एक ट्राइबल टाइप फिल्म लग रही है। आप जरूर उसका भी टीजर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आई थिंक उसका लेकिन टीजर हिंदी में अवेलेबल नहीं है दोनों दोनों फिल्मों का, तो बट सबटाइटल्स के साथ है तो मजा आएगा। आप जरूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको इनके टीजर्स कैसे लगे। उसके बाद मैं बात करूंगा स्त्री 2 की। हम सब जानते हैं कि हम सब ने बहुत कह दिया स्त्री मत आना मत आना, अब मेकर्स हमसे बुलवाएंगे कि स्त्री रक्षा करना, तो ये बहुत मजेदार होने वाला है। विद सेम कास्टिंग, कोई चेंजेस नहीं है, हालांकि हो सकता है थोड़े बहुत सपोर्टिंग कास्ट में चेंजेस हो, बट हमारे जो मेन कास्ट है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति, पंकज त्रिपाठी, ये सब सेम होने वाले हैं, तो मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉरर कॉमेडी है, तो किसको नहीं चाहिए कि हम स्त्री को वापस देखें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक ये भी मुझे करीब करीब अगस्त में ही, जहां तक तो मुझे याद है, रिलीज होने वाली है, जुलाई अगस्त में, तो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे जो अगला नाम है वो भी एक हॉरर कॉमेडी है, भूल भुलैया 3। वेल कह रहा है 2024 में आएगी, मुझे नहीं पता कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पर ये मेरे लिस्ट में अभी है बिकॉज मेकर्स ने 24 का आई थिंक अनाउंसमेंट किया है। तो भूल भुलैया 3 है, कार्तिक आर्यन है, अनीस बाजमी है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ये हमारे लिस्ट में होना लाजमी है। हम सब जानते हैं 2022 में किस तरह भूल भुलैया ने इस इंडस्ट्री को रिवाइव किया था, और उस रिस्पेक्ट से ही सही हम भूल भुलैया 3 जरूर देखेंगे। सो यस, दैट इज व्हाई इट इज ऑन माय टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। फिर मैं बात करूंगा धनुष की फिल्म, साउथ की नहीं है, हिंदी फिल्म है, इट्स कॉल्ड तेरे इश्क में। तो ये आनंद एल राय की फिल्म है, जैसे रांझना का एक ऐसा कह रहे सीक्वल समझो, या रांझना की स्टारकास्ट का एक मिलन है ऐसा समझो। आई डोंट नो पूरी स्टारकास्ट क्या होगी, पर धनुष तो फर्स्ट श्योर है, आनंद एल राय की फिल्म है, तो हम सब जानते हैं कितने पैशनेटली वो फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं लव स्टोरी है, तो बहुत मजा आएगा। आई एम रियली वेटिंग कि ये कैसी होगी ये फिल्म, इसका भी जो भी और दूसरा अनाउंसमेंट आएगा वो कैसा होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट तो बहुत ही बढ़िया किया था उन्होंने, तो टीजर तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। ये भी फिल्म मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आएगी, तो यस वेटिंग फॉर इट। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रेम की शादी की। वेल हमारे प्रेम सलमान खान, जिनकी शादी कराने को तुले हैं सूरज बड़जात्या साहब, जो डायरेक्ट करने वाले हैं इस फिल्म को, सो कहने में आ रहा है कि वो इसी साल फिल्म रिलीज होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि होगी या नहीं होगी। इस साल सलमान की कोई फिल्म है नहीं, तो हो सकता है ये हो, पर अभी तक इसका प्रोडक्शन फेज जो है उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसका कोई प्रॉपर रिवील नहीं हुआ है, तो कहना मुश्किल है, बट इट इज ऑन माई लिस्ट बिकॉज इट्स अ राजश्री फिल्म, और राजश्री अगर कोई फिल्म बनाता है तो वो लिस्ट में तो होना जरूर ही चाहिए। सो यस दैट इज इन माई लिस्ट। एंड उसके बाद में है औरों में कहा दम था। अब औरों कोई इंसान है या औरों की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, और इसमें अजय देवगन है, जिमी शेरगिल है, और भी स्टारकास्ट है इसमें, मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम, बट अप्रैल में इस फिल्म का रिलीज होना है, तो मजा आएगा क्योंकि ये फिल्म बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है, अजय देवगन इस फिल्म में है तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्टिंग तो होनी है, अच्छी तो होनी है। और एक और रीजन जो ये अच्छी होने वाली है उसका है नीरज पांडे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर भी है, तो आप सोच ही सकते हो कि अगर नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं और ये एक्टर्स हैं तो किस लेवल की फिल्म हो सकती है। एनएस स्टूडियो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेल इट विल बी वर्थ द टाइम। नेक्स्ट मैं बात करूंगा VD18 का। VD कौन? हमारे वरुण धवन। तो वरुण धवन की फिल्म फाइनली आने वाली है मेरे ख्याल से करीब 2 साल बाद में, तो कमबैक फिल्म है उनकी, और फिल्म प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? खुद एटली। कहा जा रहा है कि ये फिल्म किसी एटली फिल्म का रीमेक है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। मुराद खेतानी भी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ में ही ये फिल्म को। कीर्ति सुरेश, वकीमा काबी, ये भी इस फिल्म में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई लव ट्राइंगल फिल्म हो या ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें एक्शन भी हो, तो यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिल्म प्योरली फॉर द रीजन के वरुण धवन बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो मुझे इस फिल्म से होप है। फिर मैं बात करूंगा बगीरा की। वेल ये फिल्म जो है आपने इसका टीजर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया इस टीजर में, वन ऑफ दोस वीडियोस, वन ऑफ दोस टीजर्स बेसिकली, जो एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, एंड बहुत कम साउथ के टीजर्स ट्रेलर्स मुझे पसंद आते, पर ये मुझे बहुत पसंद आया। आप जरूर देखना, प्रशांत नील ने ये फिल्म लिखी है और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चेक कर सकते हो एंड यू विल लव इट। मतलब सलार के बाद में प्रशांत नील ने ये फिल्म लिखी है, बट डायरेक्ट किसी और ने की है, बट इट्स अ वेरी नाइस टीजर। इसके लिए जो होप्स है फॉर द फिल्म बढ़ गए हैं, ये भी mid-24 में आएगी, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। उसके बाद में मैं बात करूंगा क्रैक की। इवन क्रैक का
मैंने वीडियो डाला है बगीरा के साथ में, आप जरूर चेक करना। विद्युत जामवाल की फिल्म है जिसमें अर्जुन रामपाल भी है, तो आई रियली विश कि ये फिल्म अच्छी हो, चले, बिकॉज विद्युत जामवाल एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको और ज्यादा आई बॉल्स मिले, उनकी फिल्में लोग देखे, बिकॉज उनका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। सो आई रियली होप कि क्रैक चले, एंड आप जरूर उसका भी टीजर देखना, अभी कुछ दिन पहले ही आया, तो दैट इज ऑल्सो अ फिल्म दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट इन 2024। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज चंदू चैंपियन। वेल अगेन अ कार्तिक आर्यन फिल्म, बट डायरेक्ट कर रहे हैं कबीर खान, और हम जानते हैं किस लेवल के डायरेक्टर है वो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग फिल्म फॉर कार्तिक आर्यन, बिकॉज वो कुछ अलग कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैन का बायोपिक है, तो उसके बेसिस पे फिल्म बहुत ज्यादा इमोशन से भरी होगी, बहुत ज्यादा प्रोबेबली बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना एड्रेनल पे ये फिल्म होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा जॉनर है जो कार्तिक आर्यन ने एक्सप्लोर नहीं किया और वो कर रहे हैं, और ये मजा आता है यार एक्टर्स को देख के, कि वो जिस तरीके से अपने अलग अलग रोल्स दिखाते हैं, अलग अलग किरदार दिखाते हैं, तो मजा आता है वो देखने में। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट सम ऑफ द एक्टर्स, जो ये चीज कर पाते हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ग्रैब करते हैं। तो आई थिंक ये फिल्म को तो मतलब कोई भी इस फिल्म का वेट करेगा। सो यस, दैट इज व्हाई इट इज ऑन माय लिस्ट। फिर मैं बात करूंगा वेलकम टू द जंगल की। पूरे साल में एक ये अनाउंसमेंट वीडियो था जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जस्ट बिकॉज इतने सारे स्टार कास्ट थे। एक ऐसी चीज हमने देखी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मतलब मजा आ गया देख के, मतलब मन किया बार बार इस वीडियो को देखे, तो क्यों ना इस फिल्म का भी इंतजार किया जाए यार। तो मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि ये फिल्म अच्छी हो। इतने सारे स्टार कास्ट थे, कैसे करेंगे क्या करेंगे पता नहीं, बट वट एवर दे डू आई फील के अच्छा हो, मजा आए। हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार कितनी सारी फिल्में आती हैं साल में, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है, तो इस फिल्म में भी होगी फॉर श्योर, तो लेट्स वेट फॉर इट। ये भी कहीं ना कहीं आई थिंक एंड ऑफ द ईयर आने वाली, दिसंबर में आने वाली है, पर यू नेवर नो, शायद ये पोस्टपोन भी हो जाए, बिकॉज शूटिंग तो शुरू हो चुकी है, पर कितने लेवल तक हो पाएगी इतने सारकास्ट के साथ में। अभी रिसेंटली सुनने में श्रेयस तलपड़े जो है, उनको भी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी इस फिल्म में है, तो अब देखना है कैसे होता है। बिकॉज उसी के साथ मेरा नेक्स्ट फिल्म जुड़ा है आमिर खान और राजकुमार संतोषी का, जो अगेन क्रिसमस में आने वाली है विद वेलकम। अब ऑब्वियसली दोनों क्लैश हो नहीं हो वो बोल नहीं सकते हैं, बट आई फील कि ये फिल्म भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंट्रीग लेके आएगी, बिकॉज आमिर खान आफ्टर लाल सिंह चड्ढा, जिसको हम टोटली भूलना चाहते हैं उस फिल्म को, तो किस तरीके से आएंगे क्या करेंगे, ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म होगी मुझे लगता है, तो मजा आएगा देखने में, और दैट इज व्हाई इट इज ऑन माय लिस्ट। उसके बाद में बात करूंगा योद्धा की। योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है, धर्मा प्रोड्यूस कर रहा है इसको, बहुत पोस्टपोन हुई है ये फिल्म, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है रिलीज होगी। आई थिंक कहीं ना कहीं ये फेब मार्च में रिलीज होने वाली है, तो इट विल बी ग्रेट टू सी सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन अ बिगर स्क्रीन। अभी उनकी इंडियन पुलिस फोर्स आने ही वाली है जनवरी में, बट वो ओटीटी पे है, तो बड़े स्क्रीन पे देखने में और ज्यादा मजा आएगा, उनको बहुत सालों से नहीं देखा है, तो यस दैट इज ऑल्सो इन माई लिस्ट फॉर दैट सेम रीजन। एंड उसी के बाद धर्मा की ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही, ये फिल्म में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा हूँ, बिकॉज ये एम एस धोनी पे शायद फिल्म हो सकती है, क्योंकि फिल्म का आईएमडीबी मैंने जब देखा तो उसमें ऐसे ही कुछ लिखा था कि धोनी पे अब फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। अब वो कितना सही है कितना नहीं मुझे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं उनके उनका जो लाइफ बीता है उसके बेसिस पे ही एक स्टोरी हो, तो हम बोल नहीं सकते किसी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी हो, तो वो देखने लायक होगा। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड, राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर इस फिल्म में है, तो यस आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस फिल्म, और ये शायद मेरे टॉप 10 लिस्ट में भी होगी। एंड राजकुमार राव की ही फिल्म है कॉल्ड श्री, जो है मेरे इसी लिस्ट में, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, आप जरूर देखना। श्रीकांत बोला पे एक बायोपिक है, जो एक ब्लाइंड ऑन्ट्रप्रन्योर है जिनकी 100-150 करोड़ की कंपनी है, तो किस तरीके से वो इस लेवल पे पहुंचे उस पर यह फिल्म है, जिसमें राजकुमार राव उनका रोल निभा रहे हैं, और बहुत मजेदार होने वाली है फिल्म। इस फिल्म को कम नहीं आंका जा सकता है, जिस तरीके के डेडिकेशन से वो काम करते हैं, मतलब इट कांट बी रूल्ड आउट। जिस तरह इस साल 12th फेल एक एमर्जिंग अंडरडॉग बन के निकली, उसी तरह वो फिल्म भी हो सकती है, मार्क माई वर्ड्स, इसकी बात हम अगले साल वापस करेंगे, तो यस आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू। लास्टली मैं बात करूंगा एक ऐसे फिल्म का जिसका शायद से आपने नाम सुना नहीं हो, या शायद ही आपने सुना हो, कॉल्ड छावा। अब मैं प्रनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, बट ये एक विकी कौशल, रश्मिका मंदाना उनकी फिल्म है, जो बना रहे हैं लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने बनाई थी जरा हटके जरा बचके मिली। ये फिल्म इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो छत्रपति शिवाजी महाराज है हमारे, उनके बेटे संभाजी महाराज पे ये फिल्म है, तो हम सोच सकते हैं कि
एक हिस्टोरिकल फिल्म जिसमें विकी कौशल हो तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट से भरा होगा, कितना ज्यादा मजेदार होगा। हमने सैम बहादुर में उनको देखा है, वो किस तरीके से कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। ये साल के एंड में आने का कह रहे हैं, हो सकता है 25 में भी जाए, बट आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म के जितना जल्दी हो सके कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ तो बात हो इस फिल्म की, तो मजा आएगा। तो यस, आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। तो ये थे मेरे 24 नेम्स, और आप मुझे बताओ इनमें से किस में आपको इंटरेस्ट है, कौन से फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक लाइक का बटन दबा दो, तो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।